मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एज वी नो हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स, मतलब कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे हम जान चुके हैं वी कैन कंपेयर मोर देन टू नंबर्स, मतलब टू से अधिक नंबर्स को जो हम कंपेयर करते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा, एंड अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े का क्रम, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये भी ध्यान रखें कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, रिवर्स आर ईच अदर। ओके, आर इन द फॉलोइंग नंबर इज डिसेंडिंग ऑर्डर। एक एग्जांपल है, एक नंबर है हमारे पास ये 1,100,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 8,51,234। इसी तरह से एक ही नंबर है कि इस तरह से देर आर फोर नंबर्स। अब हम इसे कैसे छोटे बड़े जानकर और उनका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, तो उसके लिए हम इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर देते हैं। जैसे ये वाला नंबर है 1,100,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 10,00,000, 10,00,000। ओके, तो 1,100,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, तो ये करोड़ तक पहुंचा, 8,53,51,234। नेक्स्ट नंबर जो है 10 करोड़ तक पहुंचा, 70,41,32,576। और उससे नेक्स्ट नंबर जो है ये हमारा करोड़ तक पहुंचा, 8,52,41,311। और नेक्स्ट नंबर है वो भी हमारा 10 करोड़ तक पहुंचा। तो इसमें देयर आर 2 9-डिजिट नंबर हैं और 2 8-डिजिट नंबर हैं। तो क्लियर हो गया, जो 9-डिजिट नंबर हैं वो बड़े होंगे और 8-डिजिट छोटे होंगे। तो अब हम पहले 9-डिजिट नंबर जो हैं उनकी कंपेयर करते हैं, जो कि ये है हमारे 7,041,32,576, यानी 70,41,32,576। और दूसरा है 85,11,76,692। अब हम इसमें देखते हैं कि जो सबसे पहली हाईएस्ट प्लेस की जो डिजिट है उसमें किस में बड़ी है, इस नंबर में बड़ी, यानी 8 is greater than 7। मीन्स ये जो नंबर है हमारा पूरा, ये नंबर इस वाले नंबर से ग्रेटर होगा। ये तो क्लियर होगा कि कौन सा नंबर इसमें बड़ा, ये। अब हम कंपेयर करते हैं 8-डिजिट नंबर में। तो हम 8-डिजिट में देखेंगे जो हाईएस्ट प्लेस की डिजिट है वो इक्वल है, सेकंड हाईएस्ट प्लेस की भी इक्वल है। अब डिफरेंट हो गई, यानी ये छोटा हो गया क्योंकि 2 जो है लेस देन 3, यानी 3 greater than 2, तो ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर इससे बड़ा हो गया। तो अब हम ये देखते हैं, अब हम इसको एक साथ कंबाइन करते हैं, सिंस 9-डिजिट नंबर आर ग्रेटर देन 8-डिजिट नंबर, सो द रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बड़े से छोटे का क्रम देखेंगे, यानी मींस सबसे बड़ा नंबर हमारा ये था और फिर उससे छोटा दिस वन, और ये तो दोनों 9-डिजिट के हो गए। अब जो 8-डिजिट के नंबर्स आए उसमें बड़ा जो नंबर है वो ये और उससे छोटा ये, तो ये इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, बड़े से छोटे का क्रम, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करते हैं, इट इज क्लियर। इसी तरह से कदर एग्जांपल है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये देखते हैं हम, देयर आर 5 नंबर्स 5 लार्ज नंबर्स, कुछ 7-डिजिट के, कुछ 8 के, कुछ 9 के। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसी तरह से इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इसको प्लेस करेंगे, 1,100,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 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 10
नेक्स्ट नंबर जो है वो 7 डिजिट का है, ये नंबर 8 डिजिट का, ये 7 का, 157,000, 10,000, 10,000, 57,20,108, उससे नेक्स्ट 8 डिजिट का, उससे नेक्स्ट 9 का और 9 का। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कंपेयर 9 डिजिट नंबर एंड 8 डिजिट नंबर। 7 डिजिट नंबर बींग द स्मॉलेस्ट, 7 डिजिट नंबर तो सबसे छोटा हो गई, सबसे बड़े जो दो नंबर हैं 9 डिजिट के हैं, उससे छोटे 8 डिजिट के और फिर 7 का। तो सबसे पहले 9 डिजिट के नंबर का हम कंपेरिजन करेंगे, और ये जो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा पहले आएगा। तो अब सबसे पहले हम कंपेरिजन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपेयर करा हमने 8 डिजिट के नंबर का करा, ये देखते हैं हम 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 करोड़, 1 करोड़ और 3,41,020, 1 करोड़ 3,49,876। अब हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट सेम, सेकंड डिजिट सेम, थर्ड डिजिट सेम, फोर्थ डिजिट सेम, फिफ्थ डिजिट डिफरेंट, और जिसमें कि 9 इज़ ग्रेटर देन 1 यानी 1 लेस देन 9। तो यानी कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा होगा, यानी दिस वन इज़ ग्रेटर देन दिस वन। इज क्लियर?
अब हम कंपेयर करेंगे 9 डिजिट के नंबर का। 9 डिजिट में फर्स्ट डिजिट सेम, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट सेम, फोर्थ डिजिट डिफरेंट हो गई, जिसमें कि 1 is less than 2, 1 हमारा 2 से लेस हो गया। अब इसका मतलब ये नंबर हमारा छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। अब जब ये छोटा हो गया यानी ये बड़ा हो गया हमारा नंबर, और जो हमारा 7 डिजिट का नंबर था वो तो सबसे छोटा था ही, जो कि हमारा ये है दिस वन, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 50,000, 20,000, 100,000, ये सबसे छोटा है। चूँकि ये असेंडिंग ऑर्डर है इसलिए सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा जो हमारा नंबर होगा वो ये होगा, इसको प्लेस करेंगे, उससे बड़ा ये, क्योंकि छोटा नंबर पहले लिखेंगे और बड़ा बाद में असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद से बड़ा नंबर हमारा दिस वन, और फिर ये लास्ट में। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखते हैं। और ये हम सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि कितने कितने डिजिट हैं नंबर्स में, और सबसे पहले बड़ी डिजिट का कंपेयर, फिर उससे छोटी डिजिट का कंपेयर, फिर सीक्वेंस से हम अकॉर्डिंगली इसको प्लेस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को सीक्वेंस करते हैं। इज क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मिंग नंबर्स, मतलब जो गिवन डिजिट हैं उससे हम नंबर कैसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे फॉर्म करेंगे। तो नंबर आर फॉर्म्ड बाय कंबाइंग डिजिट अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू सिस्टम, कि प्लेस वैल्यू सिस्टम हेल्प टू फॉर्म एनी नंबर लार्ज और स्मॉल यूजिंग द डिजिट्स। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर विद गिवन ग्रुप ऑफ डिजिट वी अरेंज द डिजिट इन असेंडिंग, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, छोटे से बड़े का क्रम। यदि इफ जीरो इज एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस देन प्लेस जीरो एट शिफ्ट टू द सेकेंड प्लेस, यदि जीरो है इन डिजिट में तो उसको हम हमेशा सेकेंड प्लेस पर लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए। टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर विद गिविन ग्रुप ऑफ डिजिट बी अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यदि हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो बड़े से छोटे का इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल है, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट 5, 6, 7, 3, 0 and 9। तो फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर वी अरेंज द डिजिट इन द सेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि मैंने बताया सेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े का क्रम। पर जब जीरो होता है तो उसको हम फर्स्ट प्लेस पर प्लेस नहीं करते हैं, एज वी कैन नॉट हैव जीरो एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस, वो बी शिफ्ट जीरो एट द सेकेंड प्लेस, इसको हम सेकेंड प्लेस पर लिखेंगे। तो इस तरह से डिजिट सबसे पहले जीरो से बड़ी डिजिट हम लिखेंगे सबसे फर्स्ट पर, और फिर सेकेंड प्लेस पर जीरो, फिर उससे बड़ी जो कि हमारी दी गई है 5, 6, 7, 9। तो इस तरह से ये इन डिजिट का यूज़ करके हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। अब फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर वी अरेंज द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी सबसे बड़ी पहले, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से, और जीरो लास्ट में। सो इज़ द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन ग्रुप। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर हम दे फॉर्म कर सकते हैं जब जीरो भी दिया हो तब। नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। अभी डिजिट दी हुई है 6 डिजिट, देयर इससे बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर, और डिजिट को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 5, 7, फिर 9। तो ये हमारा हुआ स्मॉलेस्ट नंबर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जब नंबर को लिखा जाता है तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी स्मॉलेस्ट नंबर हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। और जब हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं तब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा स्मॉल, और फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। तो इस तरह से ये ग्रेटेस्ट नंबर हुआ और ये स्मॉलेस्ट, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जब हम डिजिट्स को लिखते हैं तब वो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो ग्रेटेस्ट नंबर बनता है। इट इज़ क्लियर? नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मीन्स अप्रॉक्सीमेट, मतलब कोई भी नंबर है लगभग, मतलब और उसका रफ कैलकुलेशन किसी भी नंबर का लगभग किसी के बराबर नियरेस्ट, उसको एस्टिमेशन कहते हैं। इसे राउंडिंग ऑफ एक्सप्रेस नंबर इन टर्म्स ऑफ नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000, 10,000, लैक,
तो मतलब लगभग कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, लगभग किसी के जैसे 9.5 अप्रॉक्सीमेट 10 के इक्वल है। तो इस तरह से एस्टिमेशन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, जैसे 35 नंबर है नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ, तो जैसे हम राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 देखने के लिए हम वंस का नंबर देखते हैं। यदि वंस का नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो जो टेंस का नंबर होता है वो एक बढ़ जाता है यानी 4 हो जाएगा, और जो वंस का नंबर था वो 0 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ जो 35 है वो आपका 40 हो जाएगा। और इसी तरह से जब वंस का नंबर हमारा स्मॉल है यानी 2 से, 2 जो है स्मॉल है 5 से, इट इज़ लेस देन 5, तब हमारे टेंस के नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज। और ऐसी कंडीशन में बाकी आगे के जो नंबर होते हैं वो हमारे 0 हो जाता है, यानी वंस का नंबर 0 हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। यानी 2412 2410 के नियरेस्ट है और 3540 के नियरेस्ट है। इट इज़ क्लियर। नाउ अब हम देखते हैं राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 देखने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारा नंबर है नियरेस्ट 100 के लिए हम टेंस का नंबर देखेंगे। यदि टेन का नंबर 5 से, टेंस का नंबर 5 से ग्रेटर है या 5 है, तो हमारा 100 का नंबर एक बढ़ जाता है और बाकी की दोनों डिजिट 0 हो जाती हैं वंस और टेंस की, तो ये नियरेस्ट 600 हो गया। इसी तरह से नियरेस्ट 100 के लिए टेंस का नंबर देखेंगे। अब यहाँ पर टेंस का नंबर 5 से लेस है तो यानी 100 के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे ही रहेगा और वंस और टेंस की डिजिट 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ये नियरेस्ट 100 हो गया। इट इज़ क्लियर। ओके स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो।